अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं फिर से एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि हेयर डैमेज हो जाते हैं स्ट्रेटनिंग से, कर्लिंग से एंड कुछ भी ट्रीटमेंट ले लें तब, तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीका बताने लगी हूँ। आपने ऐसे अक्सर घरों में जूड़े बांधे होते हैं, आपने बालों को खोल देना है एंड ये देखिए इन बालों पर हेयर स्टाइलिंग नहीं कर सकते, तो आपने बहुत ही ज़बरदस्त से स्टेप्स करने हैं जी। मैं हूं जिनायाब मलिक, आज आपके साथ अमेजिंग टिप्स शेयर करने वाली हूं। सबसे पहले आपने इसको वॉश करना है रात में एंड, या फिर अगर सुबह है तो रात का फंक्शन है, आपने मॉर्निंग में इसको कर लेना है अच्छे से वॉश एंड इसको बिल्कुल हेयर ड्राई के बगैर नेचुरली जो है ना ड्राई होने दें बालों को। उसके बाद आपने ये वाला एक विटामिन ई का ये कैप्सूल मिलेगा, आपने ये लेना है। कहीं से भी ये मिल जाता है, ब्यूटी शॉप से एंड हर जगह से अवेलेबल होता है। आपने लेके एक या दो अपने बालों के हिसाब से सारे बालों के ऊपर लगा देना है। ये आपके बालों को एक ज़बरदस्त शाइन जो है ना वो प्रोवाइड करेगा कि आपके बाल सब पूछेंगे आज क्या बाल लगा के, क्या चीज़ लगा के आज बाल धोए हैं कि आपके बहुत प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। और स्पेशली एजिस को मत भूलिएगा, एजिस पे आपने इसको लाजमी अप्लाई करना है। ये हो गया जी डन। अब इसको 5 मिनट छोड़ने के बाद ये मैं यूज़ करूँगी। ये हेयर स्प्रे या हेयर प्रोटेक्टिंग स्प्रे, किसी भी हम इलेक्ट्रॉनिक के कोई भी हेयर के लिए प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं ना, तो उसके नुकसान से हमें बचाती है हमारे बालों को। इसको लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ दें। अब इस पे आपने करना है ब्रश, अच्छे से कंघी करने के बाद आपने इसको करना है जी स्ट्रेट। अगर आपने कोई भी हेयर स्टाइल बनाना है, कर्लिंग करनी है, कुछ भी करना है, लेकिन बालों को स्ट्रेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना हेयर स्टाइल की वो लुक नहीं निकलेगी, ठीक है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ बेबीलिस का, मैंने ले लिया है जी स्ट्रेटनर। इसको मैं ऑन करूँगी और थोड़ी देर के लिए रखूँगी, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। एंड इसी के साथ जो है मैं आपको स्ट्रेटनिंग एंड इसी के साथ मैं आपको बालों को कर्ल करना बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरे चैनल से आप कुछ बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अच्छा, कोई भी कॉम लेके तो पहले हमने कॉम करनी है ताकि कोई अटकन ना रहे। उसके बाद हमने क्या करना है जी, 3 दफ़ा एक स्ट्रेटनर को एक बाल पे मारना है। 3 दफ़ा से ज़्यादा हमने नहीं मारना, मेक श्योर कि आराम आराम से करें और अच्छे से करें, ठीक है। तो ये देखें कमाल हो गया ना, ये विटामिन ई के कैप्सूल से देखें शाइन कितनी ज़बरदस्त आ रही है एंड कितने सॉफ्ट। मैंने बड़े रफली से बिल्कुल स्ट्रेट किए क्योंकि मैंने कर्ल्स बनाने थे। आप चाहें तो इसको ऐसे छोड़ें, डेड स्ट्रेट बिल्कुल ना बालों को किया करें, बहुत नुकसानदेह होता है वो। अच्छा, अब इसी को मैं स्ट्रेटनर को यूज़ करके आपको मैं कर्ल्स बनाने बताऊंगी। कमाल के कर्ल्स भी बनेंगे इससे, आप देख सकते हैं कि ये अब हमने रख के इसको 1 एंड 2 सेकंड हम लोगों ने इसको टर्न देना है एंड ऐसे इजीली हमने कर्लर को नीचे लेते आना है, कर्लर की तरह सॉरी स्ट्रेटनर को नीचे लेके आना है। और ये देखें बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप कहते हैं कि हमारे बाल सॉफ्ट बढ़िया खुल जाएंगे, तो इससे बिल्कुल नहीं खुलेंगे। अब आपके अगर ऐसे कर रहे हैं आप तो बिल्कुल नहीं खुलेंगे, फटाफट से पहले एक बार आपने कर्ल्स कर लेने हैं, लेकिन आपके बहुत जल्दी कर्ल्स खुल जाते हैं। तो उसके लिए एक टिप दूंगी आपको बड़ी कमाल, वो ये है कि आपने ना थोड़ी सी हेयर स्प्रे लेनी है। सबसे पहले आपने एक लट निकालनी है, फ़र्ज़ करें ये मैंने लट निकाली है, इसके ऊपर आपने हेयर स्प्रे करनी है और उसके बाद आपने कर्ल्स करने हैं। और कर्ल्स करने के फ़ौरन से बाद आपने एक एक कर्ल करके तो उसके ऊपर हेयर स्प्रे लगाते जानी है। थोड़ी देर के लिए उसको अपने हाथ में रखना है एंड थोड़ी देर के बाद आपने उसको छोड़ देना है, तो फिर आपका कर्ल्स कहीं नहीं जाने वाला। इनके जिनके मैं बाल यूज़ कर रही हूँ, इनके बहुत अच्छे से कर्ल्स रहते हैं थोड़ी देर, तो इसलिए मैंने अभी सिर्फ मैं बनाने पे तवज्जो दे रही थी कि मैं आपको ध्यान से सारे के सारे कर्ल्स दिखा लूँ। आप कर्लर की मूवमेंट चेक कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ये था कि जो फ्रंट होती है वो अक्सर होती है लेयर, तो इस तरह के बनते हैं, लेकिन जो बैक होती है वो बहुत ज़बरदस्त बनेंगे आपके। बिल्कुल ऐसे इजी सा स्टेप लेना है, आपने घबराना बिल्कुल नहीं। अगर आपका ठीक नहीं बन रहा, आप एक दफ़ा ट्राई करें, दूसरी लेट पे ट्राई करें, तीसरी लेट पे ट्राई करें, चौथी लेट पे आई एम श्योर कि आप बना सकते हैं। क्योंकि हम लोग भी जब ये काम सीख रहे होते हैं पॉलर्स वगैरह पे, तो हमारा भी बस यही होता है कि एक दफ़ा नहीं आया दूसरा। वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो हमें प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती। जो आप इतने बड़े सैलून पर काम करी होती हैं, लड़कियाँ देखते हैं तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल सैलून जैसे कर्ल्स मैंने घर पर बनाए हैं। आप खुद
चेक कर सकते हैं कि आपको मैंने एक बहुत अच्छी स्किल सिखा दी है। आप बस इस तरह सीख लें, फिर आपकी जब शादी हो गई है या शादी हो चुकी है तो आप किसी भी फंक्शन पे 2 मिनट में ऐसे कर्ल्स बना सकते हैं। अब इसके ऊपर आपने हेयर स्प्रे करना है, देखें बिल्कुल पार्लर वाले जो हैं बिल्कुल वही लुक आई है। और मैंने बिल्कुल एजिस पर रखे हैं, आप चाहे तो ऊपर से स्टार्ट हो गए कर सकते हैं, लेकिन ये वाले कर्ल्स ज़्यादा एजिस के ऊपर ही प्यारे लगते हैं। आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। एट द एंड आप देख सकते हैं कि इस तरह आप इसको बिल्कुल एक ऐसी लुक देने के लिए, आगे आपने बालों को हल्का सा हेयर स्टाइल किया है, आप इस तरह कंघी भी इसको कर सकते हैं, वो तो ये ऐसे भी बहुत खूबसूरत फ्लफ़ी लगेंगे। तो ये मैंने 3-in-1 हेयर स्टाइल आपको सिखाया है, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।